सिंगल कर दे, शायद जो इसकी फीमेल है। नहीं वो भी तो भाग गई ना भाई। ये देखें बता, तो यहाँ से भी चलते हैं घास उठाने। अभी आते हुए भाई घास तोड़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। त्यार आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज फरद भाई नहीं आए और ये शायन भाई और वाजिद हैं यहाँ पर। तो अभी आप लोगों को कबूतर और रेबिट्स के पास लेके चलता हूँ। तो रेबिट्स तो यहाँ पर बैठे, एक तो ये देखिए यहाँ पर बैठा है, ये अंदर आप लोग पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं, तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर से मैंने ईट रख दिए क्योंकि ये कबूतर इधर नहीं उतर रहे थे। अभी तो दाना इन्होंने खा लिया क्योंकि मैंने रेबिट्स को बंद कर दिया था। ये अभी खोले, ये ईट हटाऊंगा, आप लोगों को दिखेगा रेबिट। ये देखें ये सुकून से बैठा है। तो इधर मट्टी जो है ना ठंडी है, लेकिन है वैसे बहुत गर्मी। और एक यहाँ पर बैठी है ये। और यार एक बेड नहीं, उसे आप लोगों को बताता हूँ। तो जो हमारे 5 बच्चे निकले थे ना कबूतरों के, तो सुबह में जैसे आया तो पहले तो मैंने देखा था कि ये जो 2 बच्चे ना ये बड़े हो गए। तो उसको मैंने देखा था तो वो इतना सा था, मतलब जो मैंने अपने पास रखे थे बच्चे उनसे थोड़ा सा बड़ा था। तो जैसे मैं सुबह आया तो वो बच्चा मरा पड़ा था यहाँ पर। तो अभी कबूतरों के तो 3 जोड़े बच्चे हैं, एक ये नर है और एक ये मादी है। तो इनके ये छोटे से बच्चे हैं और ये इन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए, तो पता चल जाएगा ये जब अंडे देंगे। और इसकी तो मादी नहीं है, दोनों भाग गई इसकी मादियाँ। और एक इधर जोड़ा बैठा है, दो ये बैठा है। तो इसको मैं सही करके लगा लूँगा थोड़ी देर के बाद। तो अभी ये जब थोड़े से बच्चे बड़े होंगे ना, मतलब इतने से होंगे 2, जब मतलब खुद से खाना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये दूसरे अंडे दे देगी ये कबूतरी। ये इसका नर है। तो यार कल हम घास लाए थे रेबिट का, तो ये जो घास है ना अभी ये सूख गया है, देखें आप लोग देख सकते हैं। हाँ। ये सारा खराब हो गया है। तो अभी शान लेके आए अपन, तो अभी चलते हैं वहाँ पर घास निकालते हैं, आप लोग वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इनका डरबा इधर रख दिया है, तो इसको सेट कर दिया है। तो अभी चलते हैं घास लेने। तो यहाँ पर अभी हम आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें मुर्गी अपने बच्चों को, ये देखें दाना ढूंढ ढूंढ कर खिला रही है। तो इसके बच्चे आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ तो बच्चे आप लोगों को दिखाते हैं कितने हैं। 3 ये खड़े हैं, 1 ये रहा, आप लोगों को करीब से दिखाता हूँ। ये देखें ये 3 है वाला है और 3 9 है, 9 6 इधर है, 3 इधर है ना, एक पूरा एक दूसरा एक भी वो हाँ, भी है वो भी पूरे 9 है। तो अभी आप लोगों को मुर्गियां मैं दिखाता हूँ करीब से। एक, 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 एक। ये मुर्गी देखें, ये असील मुर्गी। और ये मुर्गा बैठा है, ये देखें बहुत सारे मुर्गे हैं यहाँ पर। तो आप लोग और भी करीब से दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ से भी चलते हैं घास उठाने, तो भी चलते हैं यहाँ से। ये देखें बत्तख की और मुर्गियाँ। और ये देखें सारे अभी आ रहे हैं, ये देखें तो अभी पहुंच गए हम। ये देखें ये बत्तख जा रहे हैं। यहाँ पर हम रेबिट को छोड़ते हैं, लेकिन 2 बार मैंने रेबिट, एक जो मादी थी वो यहाँ पर बैठती थी, जब भी मैंने छोड़ा था वो यहाँ पर बैठ जाती थी, लेकिन नर जो था ना वो तंग करता था, भाग जाता था, इधर से इधर भागता थोड़ा सा, इधर फिर इधर चला जाता, सामने यहाँ पर छुप जाता जब मैं उसको पकड़ने की करता, फिर इधर चला जाता। कल तो नाली में भी चला गया था। तो अभी घास उधर से तोड़ते हैं, उधर भी बत्तखें खड़ी हैं सामने, और देखें आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें बत्तखें, तो अभी यहाँ से भी घास तोड़ते हैं। ये मेरी हेल्प करवाएंगे, ये 3 जने, शायान है, वाजिद है और ये फरहान है। तो अभी यहाँ से तोड़ते हैं ये रही घास। 2 दिन से इधर से घास तो तोड़ रहे हैं हम। ये देखें ये भी थोड़ी सी खराब हो गई है ना, तो इधर से भी अगर इतनी हो गई ना तो फिर सारी खराब हो जाएगी। फिर तो अभी आते हुए भाई घास तोड़ रहे हैं। बस इतनी काफी है, जब तक घास तोड़े आप फिर शाम तोड़े। तो अभी हम इतनी सी घास लेकर आए क्योंकि खराब हो जाती है ना, अगर थोड़ी ज्यादा लेकर आते तो रोजाना लाएंगे ना, इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी। अभी हम घर पर आ गए तो घास इनको डालते हैं। इससे पहले मैं
ये ईंटें हटा के जो घास पुराना है मतलब सूख गया तो उसको निकालते हैं। ये देखें ये कचरा बन गया है, ये देखें इसको हटा के ये नया वाला इनके पास रख देते हैं। अभी ये खाएंगे खुद ही, ये देखें एक तो यहाँ पर बैठा है और मादी इधर इधर अंदर बैठी, दिखाता हूँ ये देखें ये रही। तो इसको उधर भेजते हैं ताकि ये घास खा लें। ये देखें ये रेबिट निकला है अपना, ये देखें यहाँ पर आ गया। मादी को इधर भेजते हैं ताकि घास खा ले। ये देखें यहाँ पे शाहन और फरहत तो जा चुका है और वो जो फरहान था वो भी चला गया है। तो अभी कबूतरों को मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पर, ये देखें ये अभी इधर मैंने इनको चावल डाले हैं ताकि बच्चों को एकदम से हजम होंगे ना तो फिर वो बड़े हो जाएंगे। और ये वाजिद ये लाया अम्बाल थी, ये देखें तो मतलब कबूतरों को देंगे ना ये पानी में डाल के, फिर क्या होगा कि कबूतरों की रफ्तार बढ़ेगी। ऐसे नहीं, कैसे ये से इसको घिसा के डालते हैं ये। तैयारी अभी मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें मिक्स कर देता हूँ। ये वाजिद लाया था, मेरे को बोला कि कबूतरों की रफ्तार बढ़ती है मतलब ये गर्मी में भी दे सकते हैं, तो इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए तो इसको भी मिक्स कर दिया है। तो अभी कबूतरों को इधर करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता सारे कबूतर आएंगे, अभी दाना खाएंगे। पानी तो अभी तक किसी भी कबूतर ने नहीं पिया है, तो अभी रैबिट को मैंने बंद कर दिया, ये कबूतर डर रहे थे ना इसीलिए। गर्मी भी बहुत है, पसीने पसीने आ गए। ये देखे वाजिद को भी आ गए, अभी आपको मैं दिखा सारा गीला हो गया। हाँ ये देखे तो ये कबूतर दीवार से मट्टी भी ये देखे खा रहे हैं। ये देखे ये कबूतर ही है, इसकी माँ भी है। ये जो कबूतर है ये तो बेचारा सिंगल हो गया। सिंगल कितने शायद जो इसकी फीमेल है। नहीं वो भी तो भाग गई ना, वही तो बात मैं कर रहा हूँ कि इसकी फीमेल भाग गई मतलब तीसरी फीमेल भी इसकी भाग गई, तो इसके नसीब ही नहीं है अंडे बच्चे करने के। ये है शायद एक अंडा देगा एक बच्चा देगा। हाँ तो वो तो अभी भाग गया ना, तो अभी क्या करें, इसको कोई टेंशन ही नहीं है। ये देखिए कैसे घूम रहा है, जैसे अभी आया हो ये इस घर में। ये देखिए तो अभी ये चावल खा रहे हैं सारे। बात तो ये बताओ कि ये तुम्हें तरीका कहाँ से पता चला? YouTube से मैंने देखा था। हाँ तो इसने बोला कि ये जो अम्बाल दी ना इसको पानी में मिक्स करोगे तो फिर ये गर्मी में भी कबूतर मतलब थकेंगे नहीं और इनकी रफ्तार बढ़ेगी। तो अभी कबूतरों को मैंने दाना और पानी पिला दिया है, तो पानी तो अभी तक नहीं पिया इन्होंने। ये देखें कबूतर अभी खुद ही चल रहे हैं ऊपर, ये देखें अभी अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। लेकिन ये जो नर है ना ये ऊपर नहीं जा पाएगा अंदर पिंजरे से। ये मैंने लकड़ी रखी है ना इधर, क्योंकि इधर जो लकड़ियाँ रखी हुई थी वो मैंने इधर लगा दी हैं, तो इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया है। तो बनाएंगे इनके लिए नया पिंजरा भी, लेकिन अभी तो गर्मी है कुछ मन ही नहीं कर रहा कुछ, अभी क्या करें। तो ये कबूतरों को अभी अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये दाना खा लें। तो अभी वीडियो एंड करें इधर। तो अभी यार गर्मी भी बहुत है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, सपोर्ट भी तो करें ना यार। तो वीडियो एंड करते हैं, आज की वीडियो यहीं तक थी। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।